चलिए भाई, तो आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। और आज बात करते हैं हम 9th क्लास के डिलीट सिलेबस जो 2022 और 23 के लिए CBSE ने किया है, उसके बारे में बात करते हैं। इसके अंदर जो भी मैंने लिखा है वो कट हुआ पार्ट है, यानी वो आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। पहली चीज़ तो इसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है प्रिपेयर। तो इसके अंदर पहला चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के अंदर जो ना एक्सरसाइज 1.4 जो है वो क्या है भाई, इसके अंदर कट है। जो कट है उसके आगे मैंने कट लिख रखा है, ये जितना भी लिखा हुआ है ना, तो ये सारा कट हुआ सिलेबस है। तो इसके अंदर एक्सरसाइज 1.4 जो है वो ही कट हुई है। ऐसे ही दूसरा चैप्टर क्या है, पॉलिनोमियल बहुपद, इसके अंदर कुछ भी कट नहीं है। यानी ये जो चैप्टर है पॉलिनोमियल, ये आपको पूरा करना है। चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंदर आपको एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 वो क्या है भाई, कट है। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसके अंदर एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 जो है वो क्या है, कट है। अब आते हैं बात चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 में यूक्लिड ज्योमेट्री है, इसके अंदर कुछ भी कट नहीं है और ये इतना हार्ड चैप्टर भी नहीं है, ठीक। इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ, लाइन एंड एंगल्स या रेखा और कोण। इसके अंदर एक्सरसाइज 6.3 जो है वही कट हुई है, उसके अलावा कोई भी कट नहीं है। अब बात करते हैं एक अपना जो चैप्टर है उसका नाम है ट्राइंगल, चैप्टर नंबर 7। अब चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल के अंदर जो एक्सरसाइज है वो है 7.4 कट। एक्सरसाइज 7.4 जो है वो ट्राइंगल के अंदर हमारी क्या है, कट है। अब चैप्टर नंबर 8 में देखते हैं क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, इसमें कुछ भी कट नहीं है, देख रहे हो यहाँ पर नथिंग डिलीट, यानी इसके अंदर कुछ भी डिलीट नहीं है। आपको कंप्लीट चैप्टर जो है वो आपको करना है रेडी। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 9 समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये पूरा चैप्टर क्या है, कट है, यानी मज़े आ रहे हैं, कट ही कट चल रहे हैं, है ना। तो ये भी चैप्टर आपको नहीं करना। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 जो है वो है सर्कल। सर्कल के अंदर थ्योरम 10.5, ये एक्सरसाइज नहीं है ये ध्यान रखना, ये थ्योरम है 10.5, वो आपको नहीं करनी है। अब इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन रचनाएं, ये भी चैप्टर क्या है, कट है। इसके बाद चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स का फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। अब इसके अंदर एक्सरसाइज जो 12.2 कट है। बात करते हैं चैप्टर 13 की, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके अंदर आपको जो कट है वो है 13.1, 13.2, 13.5 और 13.6। ये 1, 2, 3, 4 एक्सरसाइज कट है, बाकी आपको करनी है। चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी, इसके अंदर आपको जो कट है वो है 14.1 और 14.2 और 14.4। ये जो एक्सरसाइज हैं ये क्या है, आपके कट हैं, ये भी कट है। और जो 15वां चैप्टर है प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, ये पूरा ही कट है, ये आपको करना ही नहीं है, ठीक। तो ये था अभी तक जो CBSE ने 2022 और 23 के लिए जो सिलेबस कट किया है वो आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसके अंदर मैं आपको एक बता देता हूँ कि हमारे फर्स्ट टर्म में कौन कौन से चैप्टर आएंगे। फर्स्ट टर्म में चैप्टर आएगा हमारा, सबसे पहला है चैप्टर नंबर 1, इसके बाद चैप्टर नंबर 3, ये फर्स्ट टर्म के हैं। इसके बाद 4, 6, 7, 12, 4, 6, 7 और 12, यानी हीरोन्स का फॉर्मूला। और इसके बाद है हमारा 14 चैप्टर, कौन सा, ये जो चैप्टर हैं ये आपके फर्स्ट टर्म जो होगा इसको लिख लो, फर्स्ट में आएंगे,
और फर्स्ट टर्म का जो तैयार करना है ना आपको, इसी के हिसाब से करना है ना। ठीक भाई, तो चलिए आज अब यहीं ख़त्म करते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, और उसके बाद अपनी बुक में इनको लगा लेना निशान, क्या कौन सा चैप्टर। और ये ध्यान रखना, जो मैंने फर्स्ट टर्म में लगा दिए हैं और बाकी रिमेनिंग जो हैं वो सेकंड टर्म के लिए चैप्टर हैं, और जो नहीं आ रहा वो आपको करना ही नहीं है। चलिए भाई, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो हाथ जोड़ के विनती है कि सब्सक्राइब कर दें। ठीक, तो क्लास यहीं ख़त्म करते हैं आज की। चलिए भाई।